लास्ट में इससे पहले भी आपको पूछा गया कि बिग बॉस के बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं जी जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं वही जवाब दूंगा कि देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अब फिलहाल मेरी जिंदगी उस मुकाम पे है कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पर ये नहीं कि आप हफ्ते में 4 दिन शूट कर सकते हैं, 3 दिन शूट कर सकते हैं और फिर अपना बाकी का काम कर सकते हैं। तो यू नो फिलहाल मैं ऑलरेडी 2 शोज़ के लिए शूट कर रहा हूँ, तो उनके डेट्स की एडजस्टमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली उन 2 शोज़ में भी मेरे अलावा भी कई स्टार्स हैं तो उनके भी बाकी काम है, तो कैसे हमारे डेट्स को अलॉट किया जाए उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। प्लस मेरे लाइव शोज़ हैं जिनके लिए मैं यू नो देश भर दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ, और साथ ही साथ मेरा म्यूज़िकल करियर है क्योंकि मैं अपने खुद म्यूज़िक वीडियोज़ प्रोड्यूस करता हूँ, उनको खुद ही रिलीज़ करता हूँ इंडिपेंडेंटली। तो इतना सब जो है 105 दिन के लिए रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और क्या है कि चलिए कुछ पैसे कमाने के लिए मैं डेफिनेटली जा सकता हूँ, बट मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो फिर मैं यू नो जीत के नज़रिए से ही जाता हूँ कि मुझे जीत के आना है। तो अब जीत के आना तो फिर आपको 105 दिन कंप्लीट करने पड़ेंगे, विच अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन बहुत ही कमाल का शो है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, इतने सालों से चलता आ रहा है, हमारे सलमान भाई उसको इतना प्यार से, इतना ज़बरदस्त उसको होस्ट करते हैं। हालांकि पिछले सीज़न में भी मैं कुछ एपिसोड में ऐसे ही गया था, यू नो ऐसे गाने वाने गाने के लिए, बिग बॉस हाउस के अंदर भी गया था, उनके लिए भी कुछ गाने वाने गाए, कुछ जोक्स वोक्स मारे, मैं और भारती गए थे अभी मुझे याद आया। तो यू नो इन दिस कैपेसिटी अगर मैं इस शो पे इस बार भी अगर मुझे बुलाया जाए तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा और कुछ दिनों के लिए हमारे दर्शकों को डेफिनेटली एंटरटेन करूँगा। 1-2 दिन के लिए तो भाई निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, हमारा फ़ोन भी साइड में रख देंगे, तो अगर आप सुन रहे हैं तो आप, आपके लिए मेरा ऑफर तैयार है। थैंक यू सो मच। ओके आदित्य, इंडियन आइडल 11, बिग बॉस नहीं, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल 11 आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार किस तरह की प्रिपरेशन होने वाली है आपकी तरफ से? बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा पहला सीजन है इंडियन आइडल का और इस परिवार में मुझे इस साल अपनाया गया है, और पिछला सीजन मैंने देखा है, बहुत ही जबरदस्त सीजन था, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स ऑफ इंडियन आइडल था, और यू नो उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो है हमारे देश के टैलेंटेड एस्पायरिंग अपकमिंग सुपरस्टार सिंगर्स को जाता है, जो हर साल पता नहीं कहाँ से हमको मिल जाते हैं इतने कमाल कमाल के सिंगर्स। आई थिंक इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप चाहे जितने भी सिंगिंग शोज़ करें और जितने भी सीजन लाएँ वो कम है फॉर द काइंड ऑफ टैलेंट जो हमारे देश में है। और तैयारियां तो ज़ोरों शोरों में हैं, ऑफकोर्स पहली बार इस परिवार का मैं हिस्सा बना हूँ, तो अपनी तरफ से मैं अपना 110% दूंगा और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर बैठे दर्शकों को हम एंटरटेन करें, उनका मनोरंजन करें, उनको अच्छा संगीत सुनाएं, और यू नो फ्री मेंटल की और नीरज भाई की टीम बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, इनके साथ मैंने पहले भी बहुत काम किया है, बहुत सारे सक्सेसफुल शोज़ हमने साथ में किए हैं। साथ ही साथ विशाल भाई जो हैं ये वन ऑफ द जजेस वापस लौटे हैं, और मेरी प्यारी छोटी सी क्यूट सी सुपरस्टार नेहा कक्कड़ भी यहाँ पर हैं, जिनके पीछे पीछे मैं इस शो पे भी आ गया, वो अगला शो करेंगी, मैं उस शो पे भी पहुँच जाऊँगा। अच्छा, इसके अलावा आपने आपकी तरफ से क्या क्या तैयारी की है, क्योंकि आप खुद एक म्यूजिशियन भी हैं और अपने बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज भी किए म्यूजिक के, तो क्या आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशन होने वाला है? देखिए भाई, क्या है कि ऑनेस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी जो मैं इस शो के लिए कर रहा हूँ वो यही है कि जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो एक बार थोड़े से फिल्टर हो जाए ना, क्योंकि अभी क्या है लाखों से हजारों हो रहे हैं, वो फिर 10,000 से 1,000 से फिर 100 से फिर फाइनली जो यू नो 50-100 जो दावेदार जो फाइनल्स में आ सकते हैं, वहाँ से मैं वो प्रोसेस शुरू करता हूँ कि मैं उनको जानना शुरू करता हूँ। क्योंकि देखिए शो ऑब्वियसली इंडियन आइडल बहुत बड़ा शो है और हमारे बहुत बड़े जजेस हैं और आपका एक यंग गुड लुकिंग होस्ट है, बट ये सब जो चीज़ें हैं ये कुछ भी मायने नहीं रखता है जब तक हमारे पास अच्छा टैलेंट नहीं हो, और हर टैलेंटेड मेल फीमेल सिंगर हो या लड़का हो या लड़की हो इनके यहाँ तक पहुँचने की भी एक कहानी होती है। यू नो कुछ लोग शहर से आते हैं, कुछ लोग बॉम्बे के थोड़े से बाहर से आते हैं, उनका घर शायद मीरा रोड या भाईंदर में होता है, उनका सपना ये होता है कि मैं थोड़ा मलाड अंधेरी जू तक पहुंच जाऊं। कितने लोग तो यू नो गांव घर से आते हैं जिनके लिए ऐसे स्टेज पे खड़ा होना सिर्फ एक सपना ही है,
और उस लाइन में खड़े होकर वो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाते हैं। तो उनकी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, कैसे वो एक ऑडिशन तक पहुँचते हैं, कितने कितने बलिदान करने पड़ते हैं लोगों को सिर्फ एक ऑडिशन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं कुछ घरों में तकलीफ़ें होती हैं, जैसे कोई अगर यंग लड़की हुई तो उनको अलाउड नहीं होता है कि आप ऑडिशन में अकेले नहीं जा सकती हैं, या फिर वो किसी छोटे शहर से होती हैं और जो ऑडिशन होता है वो किसी दूर वाले शहर में होता है, तो उनके पेरेंट्स कभी मना कर देते हैं कभी ट्रैवल करने से, कभी किसी का एग्ज़ाम चल रहा होता है, कभी तो मैंने यहाँ तक की कहानियाँ सुनी हैं कि लोगों के पास ऑडिशन तक पहुँचने के पैसे भी नहीं होते हैं। तो ये जो इनकी खूबसूरत जर्नीज़ है, ये जो कहानियाँ हैं, इनको हम लोगों के सामने तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली शो का होस्ट, शो का एंकर होते होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको सबसे पहले तो हमारे परिवार का हिस्सा बना दें, और फिर एक बार जब ये हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं तो फिर इनका जो अपना परिवार है उसके बारे में और उनकी ज़िंदगी और उनकी कहानियों को हम कैसे दर्शकों के सामने लाएं, और चाहे वो कहानी खुशी वाली हो या दुख भरी हो, कैसे हम उस इंसान की कहानी को लेकर कैसे हम उसे एक लाइट हार्टेड, एक अच्छे या इंस्पायरिंग वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करें, ये हमारी कोशिश रहती है। तो अभी फिर भी थोड़ा रिलैक्स है ऑडिशन के टाइम पे, अभी हम क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग आते जा रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं और एक्सेप्ट हो रहे हैं और कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये जब थोड़ा सा फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, अभी हम अगस्त में हैं, सेप्टेम्बर से ये फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त फिर मैं, हाँ भाई क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, या शादीशुदा है नहीं है, ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं उनके बारे में, उसी से हमारा शो बनता तो है। क्या म्यूजिक का तड़का भी लगेगा? अरे 100% सर, म्यूजिक का तड़का तो लगेगा ही ऑब्वियसली, और मेरा होने का यही फायदा है कि मैं बात बात पे गाना शुरू हो जाता हूँ, लेकिन बिल्कुल म्यूजिक को एज अ होस्ट कैसे इस शो में इंटीग्रेट करना है, वो अभी मैं और सिद्धार्थ भाई जो इस शो के राइटर हैं, बहुत बहुत कमाल के राइटर हैं हमारे, तो हम बैठ के सोचते रहते हैं कि क्या करें, कभी कभी हम पैरोडीज करते हैं, कभी कभी हम लोगों के नामों पे कुछ गाने बना देते हैं, कभी कभी हम कुछ थीम्स रखते हैं, जैसे कभी कोई कवाली थीम हो गई, या फिर अगर कोई त्यौहार आ रहा है, दिवाली आ रहा है या डांडिया आ रहा है, तो उस पे सेंटर करके हम कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करें। लेकिन इसमें मेरे साथ साथ ऑब्वियसली हमारे जजेस का भी योगदान होगा, और हमारे जो सिंगर्स हैं जो फाइनल कट बन के जो गिने चुने हमारे हाथ, हैंडफुल ऑफ सिंगर्स, टैलेंटेड सिंगर्स, जो बेस्ट बेस्ट से बेस्ट सिंगर्स हैं देश के, हम सब मिलके एक शो बनाते हैं, और एक्साइटेड हूँ भाई, बहुत मज़ा आएगा डेफिनेटली।